कम से कम 5-7 दिन 10 दिन कहीं बाहर जाएं, जब भी बाइक लेने का भी मजा जाए अगर साथ में एक बार वर्कआउट भी करेंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ लॉन्ग राइड को लेकर, मैं इस पे जाना चाहता हूँ लॉन्ग राइड पर। और ये हम क्रूज कंट्रोल के मजे लेते हुए, लक्की तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। यहाँ बोटिंग होती है और पानी मतलब बहुत ही Casting dice and roulette. Good morning घुमकड़ो, एक और दिन की शुरुआत आप लोगों के साथ। और लास्ट वीडियो आपने देखी होगी, मैं आया था अनमोल भाई के पास और काफ़ी हमने बात की, काफ़ी टाइम लगा, तो दूसरी वीडियो में यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। और होम टूर आपने अभी तक नहीं देखा होगा भाई के चैनल पर, लेकिन मैंने होम टूर ले लिया है, पूरा घर अच्छे से देख लिया है और काफ़ी डिस्कस किया आगे किस किस तरह की हम वीडियो लाने वाले हैं और क्या हम साथ में करने वाले हैं, खासकर लॉन्ग राइड, जो कि क्योंकि भाई को भी उसी चीज़ का शौक है, मुझे भी उसी चीज़ का शौक है। मुझे संडे राइड या छोटी राइड में मज़ा नहीं आता है, कम से कम 5-7 दिन 10 दिन कहीं बाहर जाएं, जब भी बाइक लेने का भी मज़ा जाए भी है कि देखो इतना पैसा खर्च करने इतनी जल्दी मैं हायाबुसा पे तो नहीं जा सकता, बट हम एडवेंचर में जरूर लेकर जाऊंगा, तो ट्रिप तो मारेंगे कहीं। आप एडवेंचर पे चलना, मैं अपनी एडवेंचर ले लूंगा, मेरे पे भी 310 है जो उस पर ले लूंगा, तो दोनों साथ में चलेंगे। और अब यहाँ से निकलता हूँ और जाने से पहले एक बार आपको भाई का जिम दिखा देता हूँ, जो कि अभी तक यूज नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे ही जिम तैयार किया था वैसे ही तबीयत खराब हो गई, टाइफाइड हो गया था। लेकिन यहाँ पर जिम देखो, सेटअप देखो भाई का कितना अच्छा है, और घर पे अच्छे से वर्कआउट हो सकता है, इतना हो सकता है कि आप अपने आप को फिट रख सकते हो। मुझे इतना वो शौक नहीं है कि बल्की बॉडी बने, बट ये है कि पेट कम हो जाए, हाँ। तो नहीं काफी है। और आज के टाइम में इतना है कि वर्कआउट बहुत जरूरी है, हाँ। दिन में एक बार 30-40 मिनट तो वर्कआउट करना ही चाहिए, प्लस हमारा काम भी ऐसा है पूरे दिन, या तो शूट करो या एडिट करो बैठ के, यही होता है। तो चलो जल्दी जल्दी भाई की तबीयत ठीक हो जाए, बिल्कुल जब ठीक हो जाएगी आकर साथ में एक बार वर्कआउट भी करेंगे। चलो अनमोल भाई के घर से मैं निकल गया हूँ, उसके बाद मुझे एक काम था मैंने वो किया, और अब लग गई है मुझे बहुत तेज भूख, तो मैं दिल्ली की तरफ ना जाकर इधर जयपुर साइड जा रहा हूँ हाईवे पर। और हाईवे कोई ढाबा मिलेगा या KFC भी है तो वहाँ कुछ खा लेंगे, क्योंकि भूख यार बहुत बहुत ही तेज लग रही है। इसके जो किलोमीटर्स हैं वो मैं ऐसे ही पूरे कर लूँगा, मुझे लॉन्ग राइड पर जाना ही नहीं पड़ेगा, जो फर्स्ट सर्विस है वो ऐसी हो जाएगी, क्योंकि 450 पूरा आप ओडोमीटर में देखो 450 हो चुका है। अभी मैं जा रहा हूँ जयपुर की साइड और फिर यहाँ से घर जाऊँगा, तो अराउंड 80 या 100 किलोमीटर और हो जाएगा, तो लगता है मुझे कि 600 किलोमीटर तो आज ही हो जाएगा। उसके बाद एक दो संडे राइड करूँगा और वैसे ही हो जाएगा 1000, फिर इसकी सर्विस और फिर हम निकलेंगे लॉन्ग राइड पर। और यार बार बार मैं लॉन्ग राइड की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ लॉन्ग राइड को लेकर, मैं इस पर जाना चाहता हूँ लॉन्ग राइड पर, एक एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ कि पेन होता है नहीं होता है, कितनी थकावट होती है, कितना ज़्यादा मैं इसको चला सकता हूँ, लेकिन वो एक्सपीरियंस मिल ही नहीं पा रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से नहीं जा पा रहा हूँ। बाकी हाईवे पर राइड करने का मज़ा हाईवे पर ही है, लोकल में यार उतना ना स्पीड से चला पाते हैं ना रोड खाली मिलता है, बार बार रुकना पड़ता है, लेकिन हाईवे का मज़ा अलग ही है। और यार हाईवे मैं काफ़ी चल चुका हूँ लेकिन मुझे कोई रेस्टोरेंट या ढाबा नहीं मिल रहा है, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है कि मैं चलता हूँ दमदमा लेक, क्योंकि मौसम भी बढ़िया है और काफ़ी टाइम से उधर गया भी नहीं हूँ, और उधर रेस्टोरेंट भी हैं, तो अच्छे से उधर घूम लूँगा, इन्जॉय कर लूँगा और खा पी भी लूँगा। बाकी आप मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं तो 2-3 वीडियो में दमदमा लेक की डाल चुका हूँ, लेकिन आज आपको दमदमा लेक घुमाएंगे लेकिन अपनी सैनोरिटा पर। और गुरुग्राम में नाम के साथ साथ काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं, हर जगह काम चल रहा है और काफ़ी कुछ चेंज होने वाले मुझे लगता है आने वाले 7-8 साल में, और यहाँ का लुक है जो बहुत चेंज हो जाएगा। वैसे काफ़ी हद तक काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है लेकिन आने वाले टाइम में और भी चेंज होने वाला है। जिन लोगों को नहीं पता ये भी बता दूँ, यहाँ पर हिल स्टेशन भी हैं, मतलब गुरुग्राम में काफ़ी जगह ऐसी हैं जहाँ पर आपको फ़ोटो क्लिक कराओगे या कुछ तो आपको लगेगा किसी हिल स्टेशन पर है। जैसे यहाँ भी काम चल रहा है, ठीक से दिखेगा या नहीं मेरे राइट में देखो, वहाँ भी आपको सारे हिली एरिया ही लग रहा होगा, मेरे राइट में अब दिखेगा आपको पूरा हिली एरिया है। और आप सर्च करना जाकर दिल्ली के पास हिल स्टेशन, मेरी एक वीडियो थी वो भी मैंने शूट किया, वो यहाँ की नहीं है लेकिन वो भी गुरुग्राम की है, दूसरी जगह की, वो देखना जाकर और आपको वहाँ से असली एक्सपीरियंस पता चलेगा कि दिल्ली के पास भी ऐसे एरिया है जहाँ आप वन डे के लिए चिल आउट कर सकते हैं जाकर। दमदमा लेक भी उसमें से ही है जहाँ मैं जा रहा हूँ, वो भी आप देखना। और ये हम क्रूज कंट्रोल के मजे लेते हुए और दमदमा लेक के पास मैं आ चुका हूँ, और सामने देखो कितना प्यारा नजारा है,
हमारा राष्ट्रीय पक्षी हमारे सामने है और कितना प्यारा और सुंदर लग रहा है। और एक नहीं बहुत सारे हैं, पहले चले गए हैं पीछे की तरफ और उधर भी देखे थे मैंने, पीछे भी देखे थे और बहुत ही प्यारा लग रहा है। और दिल्ली के पास मुझे सबसे अच्छी आउटिंग लगती है, और उससे भी अच्छा यार लेक है, सब कुछ है, रेस्टोरेंट है पास में, और जो अपने मिक्का पाजी है उनका फार्म हाउस भी इधर ही है। ऊपर से आज मौसम, मतलब मौसम ने तो मजे ही बांध दिया। मौसम कह रहा पूरे दिन घूमते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, लक्की तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बस मौसम तो यही कह रहा, तुम घूमते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। और अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा है जो ताज होटल में मैं रुका था, तो वो जाकर देखना, मेरे को अच्छे से याद है, बहुत इंजॉय किया था, बहुत मज़ा आया था, और उसमें मैं घूमने यही आया था। और अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है पानी बहुत कम है, क्योंकि पानी बहुत ऊपर तक था और सब कुछ बंद भी है कोरोना के चक्कर में, लोग कम आ रहे हैं, तो ये झूले वूले हैं, यहाँ ऊँट की सवारी होती है, तो सब कुछ मुझे लग रहा है अभी बंद है और पानी नहीं है इसमें, इस वजह से भी लोग नहीं है। यहाँ बोटिंग होती है और पानी मतलब बहुत ही कम है, पानी काफ़ी ऊपर तक रहता है, और ये जो ग्रीनरी देख रहे हैं ना, इसमें भी पानी ही रहता है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी भीड़ रहती है, लेकिन अभी कोरोना भी है और थोड़ा पानी भी कम है, इसी वजह से लोग भी नहीं है, और जो बोटिंग थी वो भी बंद है, और इधर झूले वूले ये सब बंद है अभी। और जाकर अब ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ कुछ कर तो सकते नहीं है, बोटिंग सब कुछ बंद है। और इधर खड़ी अपनी सैनोरिटा, और सुबह जब मैं घर से निकला था तो राइडिंग गेयर पहन रहा था, इसीलिए नहीं पहने थे, मेरे को तीन चार जगह रुकना था, मैं एक दो काम और किए, अनमोल भाई के पास गया और यहाँ भी आया, बार बार राइडिंग गेयर उतारो पहनो यार बहुत अजीब लगता है, तो इसलिए मैं राइडिंग गेयर पहन के नहीं आया। बाकी सबसे सही मौसम है, क्योंकि अब दिन का टाइम है और फिर भी देखो धूप नहीं है, मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। और अब जाकर देखता हूँ रेस्टोरेंट भी खुला होगा या नहीं, क्योंकि सब कुछ बंद है तो हो सकता है रेस्टोरेंट भी बंद हो, कुछ खाने के लिए ना मिले। बाकी जाकर ट्राई करता हूँ, अगर खाने के लिए मिलता है तो लंच इधर से करके निकल जाऊँगा, भूख बहुत तेज लग रही है। और रास्ते में भी काफ़ी कुछ ढूंढा लेकिन मिला नहीं। और ये है यहाँ पर एक रिज़ोर्ट जिसमें रेस्टोरेंट है, और रिज़ोर्ट का नाम तो मुझे दिख नहीं रहा कहीं लिखा हुआ, और ये लिखा हुआ रिज़ोर्ट का नाम है सारस रिज़ोर्ट, और इसमें मैं लास्ट टाइम आया था जब मैंने यहाँ पर लंच किया था, तो अभी भी अगर खुला होगा तो यहीं लंच कर लेंगे, नहीं तो चलेंगे। ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं था आज, लेकिन दिल्ली के आसपास अच्छी जगह है और शांति काफ़ी है, और साथ में ये रिज़ोर्ट है, तो सबसे अच्छा ये है कि रिज़ोर्ट में रुक सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। एक दिन के लिए आउटिंग के लिए इस रिज़ोर्ट में रुके, बिल्कुल सामने दमदमा लेक है, देखो पैदल पैदल मैं चल के आ गया हूँ, तो जाकर वहाँ घूम कर बोटिंग कर कर शाम को आके यहाँ रुक जाओ। चलो अब देखते हैं कुछ खाने के लिए मिलता है तो खाता हूँ। चलो जी अब रेस्टोरेंट भी खुला मिल गया और खाना भी मिल गया, बस अब खा कर देखना है कि टेस्ट कैसा है। बाकी दिखने में तो काफ़ी टेस्टी लग रहा है, बाकी ये है कि फ्रेश बना है, क्योंकि टाइम लगाया है 30 मिनट्स अराउंड मुझे हो गए हैं, बिल्कुल फ्रेश है, और जो चपाती वो घर वाली है। खाना खा लिया है और अब यहाँ से निकल रहा हूँ, तो इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, मिलता हूँ नई वीडियो में कुछ नया लेकर। जब तक के लिए आप पुरानी वीडियो देखिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट्स करना क्या अच्छा क्या बुरा लगा, और चैनल के सपोर्ट के लिए वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और कमेंट करते रहिए यार अच्छा लगता है। अब हम यहाँ से निकलते हैं और राइड का इंजॉय करते हुए पहुँचते हैं घर, और मिलते हैं आपको कल नई वीडियो में कुछ नया लेकर। जब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू। Funny how easily life can be torn apart. Why couldn't I simply